और मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि जो हमारा सिरसा आज हमारा जो शहर का युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, ये होली का त्यौहार आज होलिका दहन कर करके हमने मनाया है। जिस प्रकार से ये होलिका दहन के अंदर जो आग जलती है, बुराइयों का नाश होता है, उसी प्रकार से जो हमारे अंदर का भी, जिनके मन के अंदर का भी जो राक्षस है, उसका भी नाश हो और हम धर्म की तरफ बढ़े, सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ चढ़कर भाग लें। शास्त्र अनुसार होली का दहन रात 11:15 बजे लिखा गया है, क्या होली का दहन किया गया, क्या कारण है? नहीं, ये कारण कुछ नहीं होता है जी, सभी जगह अलग अलग टाइप से मनाया जाता है। मन में जो भावना होती है वो सच्ची होनी चाहिए, बाकी टाइम का मेरे खुद के घर के पास जो टाइम है वो 11:15 बजे का है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। सब जगह सबके मन में जो भाव से, प्रेम प्यार से हम त्यौहार मनाते हैं और यही मैसेज दूंगा सबको कि सबको एक होकर के, अगर किसी का पुराना कोई मन मुटाव भी है तो आज त्यौहार के दिन सबको एकजुटता के साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए। देखो, होली का पर्व एक बुराई पे एक सच्चाई की जीत है। जिस तरह से हिरण्याकश प्रहलाद भगवान को मारना चाहते थे और उन्होंने अपनी बहन होलिका को ये कहा था कि भाई आप, मैं इसको गोद में लेके बैठ जाऊंगी, जो कि होलिका को एक वरदान मिला हुआ था एक कवर का, जो कि एक हवा का झोंका आया और सारा का सारा होलिका उसके साथ जल गई और प्रहलाद भगत जीत गए थे। ये एक बुराई पे एक अच्छाई है, अच्छाई की जीत है, तो हमें होली का त्यौहार खुशियों के साथ मनाना चाहिए और एक प्रेम भावना के साथ मनाना चाहिए। कल धुलंडी का त्यौहार है, मैं सभी नौजवानों से ये कहूँगा कि कोई हुड़दंगबाजी ना करके और फूलों की होली खेलें और भाईचारा बना कर रखें, और हमारी ट्रैफिक पुलिस हर चौक के ऊपर कल मुस्तैद रहेगी, किसी तरह की हुड़दंगबाजी नहीं होने देगी।